या भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा, ये भी मर्श क्या बना करके हमने रख दिया। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, यूं सीना ठोक के बोलने वाले लोग, आतंकवाद का सफाया हो गया और 370 के बाद ये हो जाएगा, कि हम एक ऐसे मुल्क में तब्दील हो रहे हैं ना कि श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, तिरंगे में लिपटे शरीर को सैल्यूट किया, फिर अगले दिन हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में चले जाते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा में पक्ष और विपक्ष नहीं होता। मैं तो ढूंढ रहा हूं, किसी का ट्वीट ही नहीं देख रहा, किसी का बयान नहीं देख रहा हूं। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, यूं सीना ठोक के बोलने वाले लोग, आतंकवाद का सफाया हो गया और 370 के बाद ये हो जाएगा, ये जवान जो हमारे शहीद हो रहे हैं या शहरी, आम शहरी जो वहां जिनकी जाने जा रही हैं, इसका उत्तरदायित्व तो किन पर है? क्या होता है? मैं बार बार कहता हूं कि हम एक ऐसे मुल्क में तब्दील हो रहे हैं ना कि श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, तिरंगे में लिपटे शरीर को सैल्यूट किया, फिर अगले दिन हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में चले जाते हैं। कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग ना, अपने ओहदे की समझ नहीं है। बस रिटोरिक से देश नहीं चलता। राष्ट्र की सुरक्षा में पक्ष और विपक्ष नहीं होता। आप कॉन्फिडेंस में लीजिए और कहिए कि कहां आपसे चूक हो रही है, विपक्ष आपकी मदद करेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो भत्ता है, भरण पोषण है, उसके लिए याचिका दायर कर सकती हैं। देखिए, ये एक परिणति है एक लंबे जेंडर जस्टिस के की दिशा में और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कष्ट मुझे इस बात का हो रहा है कि कुछ एक इनके जो मंत्री हैं, जो किस विभाग के मंत्री हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन अल बल अंट शंट बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की एक ऑब्जर्वेशन है, एक उनका निष्कर्ष है, उसको उस रूप में देखना चाहिए, ना कि इस पर भी आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा मानना है कि बालक बुद्धि और बैल बुद्धि दोनों ही मैं समझता हूं उचित नहीं। यह हम अपने विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? एक तरफा नहीं होगा ना। अभी मुझे बहुत कष्ट हुआ था और मैं करोड़ों हिंदुस्तानियों में शुमार हूं, जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, ये भी मर्श देश का, महासागर वाले चरित्र वाले देश का क्या बना करके हमने रख दिया। इसलिए एक बयान इधर से आता है, जब आप सदन में बालक बुद्धि बोलते हैं तो उधर से बैल बुद्धि बोलते हैं, लेकिन दोनों ही विमर्श को खारिज करके मौलिक मुद्दों पर चर्चा हो। मौलिक मुद्दों पर चर्चा हम खत्म कर चुके हैं। विदेश जाकर के भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं 14 से पहले डिप्रेशन में था देश। किसका अपमान नहीं कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्रियों का नहीं, इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। यहां के किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग, पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाने वाले, सबका अपमान हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये पूरा जो विमर्श की जो पूरी पोटली, भगवान के लिए इसको किनारे रखा जाए। आप लोग इस बात के बीजेपी को हराने के लिए आना चाहिए, लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने ऐलान किया है कि भविष्य में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं। देखिए, ये आप अलायंस को समझने के लिए उसके पूरे व्याकरण को समझना होगा। अगर कहीं आपको, जैसे बंगाल में अलायंस नहीं हुआ था, इंडिया गठबंधन में हम सब साथ साथ थे, तो कई सारे जगहों पर लोकल फैक्टर होता है। ये दो दलों का मामला है, आज क्या परिस्थितियां हैं, आगे अगर इसको वो रिजॉल्व करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। दूसरा सवाल सर ये है कि मामले में जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल थे। ये ईडी ने नहीं कहा, ये ईडी नहीं है, ये बीजेपी है। बेकार हम लोग ईडी को घसीटते हैं, सीबीआई को, बड़े निर्दोष ऑफिसर्स हैं, उनको दोषी बनाने का काम ये हुकूमत कर रही है। ये जो दिल्ली सल्तनत, हेमंत सोरेन को जेल में रखा, अरविंद जी को जेल में रखा, हेमंत सोरेन पे हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है कि प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं था, कौन 5 महीने लौटा देगा? चुनाव के वक्त में एक आदिवासी नेता को जेल में रख दिया आपने, कौन लौटाएगा इसको? कौन गुनहगार है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। सत्ता शीर्ष के दो लोग तय कर रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, आज सुबह किस दिशा में मूव करेगी। पेगासस काफी चर्चा है कि पेगासस जो है वो उनके फोन को हैक किया है। देखिए, पेगासस पे आज तक सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाई।
मतलब हमारे हम कभी भी नहीं समझते थे कि हमारे देश में ये परिस्थितियां होंगी कि विपक्ष को डील करने के लिए उनके फोन में घुस जाएगी सत्ता प्रतिष्ठान के उपकरण। एक और व्यक्ति हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं पुष्पराज, उनके भी आया, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी की बेटी में आया, पहले भी कई लोगों में आ चुका है। तो मैं तो समझता हूं कि इस तरह की हरकतों से हमारा लोकतंत्र शर्मसार होता है। उधर सर नीट पेपर लीक की बड़े पैमाने पर पेपर लीक के कोई मामले नहीं। देखिए मैं कन्विंस नहीं हूं, आज के युग में कोई चीज लोकल नहीं रह पाती है। अगर लोकली एक पेपर वहां लीक हुआ उसको कितना सेकंड लगेगा बिहार के पेपर को या गोधरा के पेपर को या हरियाणा के पेपर को तमिलनाडु पहुंचने में, महाराष्ट्र पहुंचने में सेकंड्स। ये दलील मेरी समझ में नहीं आती है, किसको बचाने की कोशिश है, किस सिस्टम पर पर्दादारी की कोशिश है, वो तो न्यायालय माननीय न्यायालय देखेगा। आरजेडी का बाढ़ की चपेट में जिले आ रहे हैं, बाढ़ काफी है सीमांचल के क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र। देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आलोचना भी करता है तो उम्मीद रखता है कि सरकार पहलकदमी लेगी, लेकिन जिस प्रकार से वहां के पुलों ने एक तरह से आत्महत्या की एक प्रवृत्ति बना ली है, आए दिन तकरीबन 12-14 पुल शहीद हो चुके हैं, पता नहीं कैसे शहीद हो रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार को ऐसा तो नहीं है कि बार पहली बार आ रही है, पहले से पता। आपका पूर्व प्रबंधन क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिवेंशन, इसके कुछ एसओपी है, क्या उनका पालन हुआ?